तो गाइस फाइनली हम आ गए पोकेमोन की एक और नई वीडियो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बॉल से पोकेमोन के बारे में। इस वीडियो में जो सब भी पोकेमोन होंगे वो सब बॉल पर बेस्ड है। हाँ, तो क्योंकि ये मेरी पहली थियरी वीडियो है पोकेमोन की, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे जो पोकेमोन आता है उसका नाम है ग्लेली। तो इस पोकेमोन के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एस के पास भी था। ग्लेली एक आइस टाइप का पोकेमोन है और ये पोकेमोन इवॉल्व होता है स्नोडेंट से, और इसका एक मेगा इवोल्यूशन भी है जो कि बहुत कूल लगता है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। हाँ, तो ये पोकेमोन तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने इसको नंबर 5 पर रख के ठीक किया कि नहीं। तो बढ़ते हैं अगले पोकेमोन की तरफ। नंबर 4 पे है कॉफिंग। अब इस पोकेमोन को, अब बॉल से पोकेमोन की बात हो रही है और कॉफिंग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉफिंग एक मतलब बॉल की तरह ही है क्योंकि देखो। तो हाँ, इस लिस्ट में कॉफिंग तो मुझे ठीक ही लगा, इसलिए मैंने कॉफिंग लगा। और हाँ, इसके वैसे मैं कॉफिंग के बारे में मुझे तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पॉइजन टाइप पोकेमोन है और ये तो जेम्स के पास भी था, पर हाँ एंटरटेन तो बहुत किया है कॉफिंग और एकेंस ने हमको। हाँ, तो नंबर 3 पे जो पोकेमोन आता है वो है सोलोसिस। ये पोकेमोन तो मतलब 90% से ज़्यादा बॉल की तरह ही दिखता है और ये पोकेमोन है यूनोवा रीजन से, और इसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं है क्योंकि ये बहुत कम दिखा, और यूनोवा रीजन तो बहुत कम लोगों ने ही दिखा होगा। तो ये पोकेमोन इवॉल्व होता है रियोनिक्लियस में जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। तो नंबर 2 पे जो पोकेमोन है वो है गैसली। गैसली भी एक बॉल की तरह ही दिखता है। अगर तुम ये कहोगे कि भाई उसके आसपास तो कुछ ऐसा गैस की तरह है, हाँ वो गैस है, पर उसके जो असली उसका बॉडी है वो एक बॉल की तरह ही है, बाकी जो चीज़ है वो सब आसपास गैस होती है, इसलिए तो उसका नाम गैसली है। मतलब लॉजिक। हाँ, तो नंबर 1 पे जो पोकेमोन है, तुम लोग अब मुझे पता है कि तुम लोग बहुत देर से इसका इंतजार कर रहे हो। हाँ, तो नंबर 1 पे जो है उसका नाम है पोकेबॉल। कुछ भी, इतना गंदा मजाक के लिए सॉरी, पर ठीक है। नंबर 1 पे जो पोकेमोन आता है वो है वॉल्टॉप। अब इस पोकेमोन के बारे में क्या ही कहना, ये तो एक पोकेबॉल को देखकर ही बनाया गया है, मतलब ये बॉल से भी पोकेमोन है। चाहो तो इसको बास्केटबॉल बना के खेल भी सकते हो। मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ भी करने का मत सोचना, क्योंकि इस पोकेमोन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वैसे तो हर टाइम ये गुस्से में रहता है, पर किसी बेबी पोकेमोन को देखा तो ये भी पिघल जाता है। हाँ, तो वॉल्टॉप का जो एक ही उसका स्पेशल अटैक है, या फिर कह सकते हो एक खतरनाक अटैक है उसका, जो है एक्सप्लोजन। ये अटैक वो करता है तो खुद वो ब्लास्ट हो जाता है और उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, और इसको तो भाई देख के ही लगता है कि हमेशा ये गुस्से में ही रहता है। तो हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो लाइक बटन को ज़ोर से हिट कर देना, और अगर ऐसी मज़ेदार वीडियो देखनी है पोकेमोन की तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पर भी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।